देश में तेजी से बढ़ रही कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना से लड़ने की तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। भगवानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात एक्सरे टेक्नीशियन ध्रमोद कुमार आज कोरोना की रिपोर्ट आने पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में खलबली मच गई। तुरंत प्रमोद कुमार को 7 दिन के लिए होम आइसोलेट करवाया गया और एक्सरे रूम को भी सैनिटाइज करवाया गया। सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात चिकित्सा अधीक्षक विक्रांत सिरोही ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए हमने पूरी तरह तैयारी कर ली है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, बेड व जरूरत की सभी दवाइयां मौजूद हैं और तेजी के साथ वैक्सीनेशन, कोरोना की जांच भी करवाई जा रही है। देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर जिला हरिद्वार में हमारा ऑक्सीजन प्लांट जो हमें यहाँ की इंडस्ट्री एसोसिएशन से प्राप्त हुआ, उसमें माननीय विधायक जी का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा और वो उसका शुभारंभ हो चुका है। हमारी लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर दवाइयों तक, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर वेंटिलेटर तक, सब कुछ हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। दवाइयों की जहाँ तक बात है तो हमारे यहाँ होम आइसोलेशन किट्स तैयार हैं। अब हमारे यहाँ जितनी तैयारियाँ की जानी थी वो सब कुछ हो चुकी हैं और आज 10 जनवरी से प्रिकॉशनरी डोज भी हम हेल्थ वर्कर को और फ्रंटलाइन वर्कर को लगनी शुरू हो चुकी है। देखिए, मैं बिल्कुल मान सकता हूँ कि कभी कभी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन मैं अभी इसको और अपने स्तर से देख लेता हूँ और ये बिल्कुल सुनिश्चित कराऊँगा कि 2 गज की दूरी और मास्क की दूरी, ये बिल्कुल इसका पालन किया जाए। न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के लिए भगवानपुर से मुर्सली नलवी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुद्दे, रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक, और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा। देवभूमि के बारे में देवभूमि के वासियों के साथ सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।